में कोई 62,000 के करीब जो है डेली रेटेड वर्कर्स काम करते हैं, जिनको रेगुलराइजेशन के लिए सरकार ने वादा किया था। ये पीएचई विभाग में, बिजली विभाग में, आरएनबी ईडब्ल्यूडी विभाग में, और इसी तरीके से एनएचएम में भी है, नरेगा के तहत हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं जो जिनको रेगुलराइजेशन का अश्योरेंस सरकार की तरफ से मिला था, लेकिन 2.5 वर्ष हो जाने के बावजूद भी उनकी रेगुलराइजेशन के लिए सरकार द्वारा कोई भी स्टेप इनिशिएट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत भारी रोष इन एम्प्लाइज के अंदर है। यहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, एजिटेशंस हो रहे हैं, और सरकार बहस एक मूक दर्शक बने हुए हैं। इन लोगों को रेगुलराइज करना तो दूर की बात है, इनका वेतन तक इनको 2-2 सालों से, 1.5-1.5 साल से जो है वो नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से इनके परिवार जो हैं वो स्टारवेशन तक पहुंच चुके हैं, और सरकार जो है वो गहर निंद्रा में है। हम सरकार के इस रवैये की कड़ी मजम्मत करते हैं और ये कहना चाहते हैं, इन कर्मचारियों की वजह से ही रियासत का निज़ाम जो है वो चल रहा है, और इनको नज़रअंदाज करना ना केवल एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है इन एम्प्लाइज के साथ, बल्कि एक ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी है, क्योंकि आप इनसे काम तो ले रहे हैं लेकिन इनको वेतन से आपने महरूम रखा है, और इनकी रेगुलराइजेशन कई साल जो है वो तक जो आपने पेंडिंग रखी है बावजूद आश्वासनों के, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं।